हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय प्रोजेक्ट एचडी चैनल पर। इस चैनल पर हम देख रहे हैं होटल मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट। तो आज के दिन हम इस होटल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के जो डेटाबेस है उसके बारे में बात करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट में हम लोग जो डेटाबेस यूज करने वाले हैं उसका नाम है माय एसक्यूएल डेटाबेस। तो मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन माय एसक्यूएल डेटाबेस पर। माय एसक्यूएल डेटाबेस असल में होता क्या है? MySQL डेटाबेस हमारा एक डेटाबेस होता है जिसके अंदर हम हमारा सारा डेटा रखते हैं हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड। और उसके बारे में ये रहता है कि हमारे जो यूजर व्यू है, यूजर व्यू से जो भी डाटा होता है, जो हमारे यूजर द्वारा सबमिट किया जाता है, उसकी जानकारी, इंफॉर्मेशन वगैरह जो भी चीजें होती है वो हमारे डेटाबेस में आकर के स्टोर होती है। और दूसरी बात यह है कि ये क्लाइंट सर्वर यूटिलिटी पे वर्क करता है। तो हम ये देख लेते हैं कि हमारा MySQL डेटाबेस होता कैसा है और ये दिखता कैसा है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं हमारे यहाँ पर। जो वेब सर्वर आप लोगों ने इंस्टॉल करा था उस वेब सर्वर के अंदर ही MySQL डेटाबेस इनबिल्ड होता है। तो आपको करना ये है कि अपने वेब सर्वर पर आइए, को यहाँ से आप ओके यस कीजिए। जैसे वेब सर्वर ऑन होगा तो यहाँ पर आपको अपना हिडन आइकॉन्स के अंदर इस तरह का एक आइकॉन नजर आएगा, ये होगा वेब सर्वर। और जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको मिलेगा PHP My Admin। ये PHP My Admin हमारे डेटाबेस का होम पेज होता है। यहाँ से हम हमारा डेटाबेस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सब कुछ दे रखा है। यहाँ पर डेटाबेस सारे जितने भी मैंने डेटाबेस बनाए हुए हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, वो सारे के सारे डेटाबेस की लिस्ट यहाँ पर आ रही है। ये होम का आइकॉन है, होम पे जा सकते हैं। ये SQL क्यूरीज का है, उसके बाद भी कई सारे आइकॉन्स दिए हुए हैं यहाँ पर, और भी सारे, जैसा ये डेटाबेस का है, SQL का है, स्टेटस का है, वेरिएबल्स, ये सारे के सारे यहाँ पर दिए हुए हैं, फैसिलिटीज दी हुई हैं। हमारा जो वर्क है, हमारा वर्क यहाँ पर से शुरू होता है। हमें जिस नाम का डेटाबेस क्रिएट करना है हम यहाँ पर उसका नाम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट न्यू डेटाबेस। तो हम यहाँ पर अपना डेटाबेस क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैं एक डेमो डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेमो डेटाबेस। ठीक है, इस डेमो डेटाबेस के बीच में हम लोग ऐसा लिख देते तो ज्यादा बेटर रहेगा, डेमो अंडरस्कोर डेटाबेस। ठीक है, तो यहाँ से ये क्रिएट बटन दिया हुआ है, जैसे ही आप इस पे क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। ये लिखा है क्रिएट डेटाबेस, डेमो डेटाबेस, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, क्रिएट हो चुका है। अब हम चाहें तो इस डेटाबेस के अंदर अपनी एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है क्रिएट न्यू डेटाबेस टेबल। तो मुझे, मान लीजिए मुझे एक टेबल अपनी क्रिएट करनी है, तो मैं डिटेल्स नाम से एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। डिटेल की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है डिटेल। और इसके अंदर मुझे केवल जितनी रोज आपको रखनी है, इसमें कितनी फील्ड आपको रखनी है उस हिसाब से आप इसके अंदर फील्ड रख सकते हैं। जैसे मुझे अभी केवल डेमो है तो मुझे केवल दो फील्ड रखनी है, तो मैं यहाँ पर दो फील्ड ले लेता हूँ। और जैसे ही आप दो बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये टेबल क्रिएट हो गई है। अब इसके अंदर आपको पहला फील्ड का नाम रखना है, जैसे कि मैं मेरी पहली फील्ड का नाम रखता हूँ आईडी, और आईडी के बाद में अपनी दूसरी फील्ड का नाम रखता हूँ नेम। मेरे यहाँ पर आईडी फील्ड में किसी जिसका भी मैं नाम डालूंगा उसकी आईडी, और यहाँ पर जिस भी यूजर का मैं नाम डालूंगा उसका नाम यहाँ पर स्टोर होगा। उसके बाद मुझे आईडी किस तरह का रखना है, कि मुझे इंटीजर तरह का रखना है मेरा डेटा टाइप, या वेयर केयर रखना है, या टेक्स्ट टाइप का रखना है, डेटा टाइप का रखना है, आप यहाँ से कुछ भी चुन सकते हैं। जैसे अभी मैं आईडी में इंटीजर ही चुन रहा हूँ, इंटीजर में ये यहाँ पर डेटा बाय डिफॉल्ट इंटीजर ही होता है वैसे, तो इंटीजर ही मैं चुनता हूँ। और नेम में मैं जाकर के वेयर केयर चुन लेता हूँ। वेयर केयर की ये होती है कि इस डेटा टाइप की आपको लेंथ देनी होती है। वैसे लेंथ तो आप इंटीजर की भी दे सकते हैं, पर ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। और वेयर केयर की लेंथ हमें ये देना होती है कि ये कितनी लेंथ का होगा। तो नेम ज़्यादा से ज़्यादा 10 कैरेक्टर से ज़्यादा का नेम यूजली होता नहीं है लोगों का, तो मैं यहाँ पर नेम में 10 दे देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर कुछ दे रखा है। और उसके बाद नीचे आते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर नल और नॉट नल का भी ऑप्शन होता है, हम चाहें तो इसे नल भी कर सकते हैं, अभी बाय डिफॉल्ट ये नॉट नल है। उसके बाद इंडेक्स में आ सकते हैं, तो हम यहाँ पर अपनी कीज इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि बहुत सारी कीज होती है, यूनिक की, इंडेक्स की, प्राइमरी की। प्राइमरी की से ये होता है कि ये जो आईडी है
ये एक यूनिक आईडी हो जाएगी और इसके एक आईडी से मिलती जुलती कोई दूसरी आईडी इसमें नहीं डलेगी। जैसे मान लीजिए अगर टू नंबर की आईडी का कोई नेम पहले से स्टोर्ड है तो वो टू नंबर की आईडी को फिर से नहीं लेगा, तो ये प्राइमरी हो जाएगी हमारे लिए। और उसके बाद आप चाहें तो इसे ऑटो इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, भले ही आप इस फील्ड के अंदर कोई भी मतलब कोई भी डाटा ना भी डालेंगे तो भी ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगा। और उसके बाद आप यहाँ पर जैसे गो बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये टेबल पूरी तरह से क्रिएट हो चुकी होगी। पहले आपको इसे सेव करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, डिटेल नाम की एक टेबल ये यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आईडी और नेम मेरे दो फील्ड के नेम आ गए हैं, इसका डेटा टाइप आ चुका है। उसके बाद इसके ये देख लीजिए अभी नॉट नल है ये दोनों, और उसके बाद ये सब कुछ है। उसके बाद यहाँ पर ये जो दो आइकन दिए हुए हैं दोस्तों, ये आइकन होते हैं हमारे एडिट और ड्रॉप करने के लिए। अगर हमें कोई फील्ड पसंद नहीं आ रही है तो हम यहाँ से क्लिक करके उसे ड्रॉप भी कर सकते हैं, और मैं भी इसे कैंसिल कर देता हूँ। और अगर आप चाहे तो इसे यहाँ पर क्लिक करके इसे एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ से आपको मान लीजिए कि इंटीजर नहीं है कि आपको इंटीजर नहीं चाहिए था आईडी में, आप यहाँ पर वेयर केयर चाहते थे तो आप यहाँ पर जा करके वेयर केयर भी कर सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा एक छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन हमारे डेटाबेस MySQL का। जैसे कि यहाँ पे देखिए अभी स्ट्रक्चर है तो ये स्ट्रक्चर दिखा रहा है। अगर आपको कोई इसमें डेटा अगर इसके अंदर आपका सेव है तो आप यहाँ पर जाकर इसे ब्राउज कर सकते हैं और आप ब्राउज में डेटा देख सकते हैं। जैसे अभी मेरी टेबल में कोई डेटा नहीं है तो अभी इसके अंदर कोई डेटा नहीं दिखेगा। तो ये था एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हमारे MySQL डेटाबेस का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।